हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देखिए आपको बताते हैं किस तरह बनाया जाता है मटर आलू गोभी की सब्जी। बने रही है पूजा ब्लॉक्स में। और यहाँ पे देखिए हमने तड़का लगा लिया था लहसुन मिर्चा प्याज से और कड़ी पत्ते डाल के, वह वीडियो नहीं आया है इसमें। देखिए हो गया। हम फूल गोभी डाल देंगे इस तरह से कट करके। आप इसे और भी छोटा काट सकते हैं या इसी तरह काट सकते हैं। इसे अच्छे से भून लेंगे एक मिनट। अब इसमें हम डाल देंगे मटर। ये देखिए मटर और फ्लावर बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। इस तरह से आप बनाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा। आप इसकी सब्जी ग्रेवी वाली भी बना सकते हैं या इस तरह से भी बना करके खा सकते हैं। तो देखिए इसमें हम आलू डाल देते हैं। इस तरह से हमने छोटे साइज में आलू कट कर लिए हैं। तो देखिए इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक दो मिनट के लिए। इस तरह से मिक्स कर लेंगे इसे। देखिए अच्छे से ये मिक्स हो गया है। अब इसमें हम मसाला डाल देंगे। मसाले में हमने धनिया पाउडर डाल दिया है। अब इसमें डाल देते हैं हल्दी पाउडर, लाल मिर्चा पाउडर डाल देते हैं। ये देखिए सभी को आधा आधा चम्मच डालेंगे हम। इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इस तरह से। यह बहुत जल्दी बन जाता है। किसी वक्त इसे एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा बना करके। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और यहाँ पे देखिए हमने स्वाद के हिसाब से नमक डाल दिया है। आप जितनी सब्जी लीजिएगा उस हिसाब से नमक डालिएगा। देखिए इसे अच्छे से हमने मिक्स कर लिए हैं। ये देखिए इसे हम 5 से 10 मिनट के लिए ढक देते हैं जिससे अच्छे से ये पक जाए। इस तरह से देखिए 5 मिनट के लिए ढक देते हैं। ये देखिए अभी चेक कर लेते हैं हम। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं इस तरह से। ये देखिए और इसमें बहुत ही अच्छा सुगंध आ रहा है। इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर डाल देंगे इस तरह से। हमने थोड़े बड़े साइज का टमाटर कट किया है। आप अपने हिसाब से टमाटर कट करके डाल सकते हैं। देखिए इस तरह से अच्छे से हम इसे भी मिक्स कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए इसमें अभी थोड़ा सा बाकी है पकने में। इसे भी हम 5 मिनट के लिए अच्छे से ढक देते हैं इस तरह से। 5 मिनट के बाद हम इसे वापस चेक कर लेते हैं। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। ये देखिए हमारी सब्जी ये हो गई है। ये देखिए अब इस समय हम गैस को कर देंगे बंद क्योंकि हमारी सब्जी हो गई है तैयार। ये देखिए आपको देखिए हमारी सब्जी तैयार हो गई है। अब इसमें हम बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती डाल देंगे इस तरह से। आप चाहे तो धनिया पत्ती टमाटर स्किप कर सकते हैं लेकिन इसे डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। खाने का भी स्वाद बढ़ जाता है और अच्छा भी लगता है देखने में भी। ये इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। देखिए आपको पास से दिखा रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है देखने में। इसे आप डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट किसी वक्त आप इस तरह से बनाइए। नए तरीके से आपको पसंद आएगा खाना। काट लेंगे इस तरह, पेड़ा निकाल लेंगे इतना छोटा छोटा। इसी तरह हम 4-5 पेड़ा निकाल लेते हैं इस तरह से। आप जब भी जल्दी में होंगे तो आप आराम से इस तरह से आप बना सकते हैं और जल्दी से ये बन भी जाता है। ये देखिए इस तरह से कर लेंगे सभी को। इसके ऊपर से हम तेल लगा देंगे इस तरह। ये देखिए इस तरह से तेल अच्छे से लगा देंगे चारों पे। आप चाहे तो बटर भी लगा सकते हैं या घी, जो आप खाते होंगे वो लगा दीजिएगा जो आपको पसंद होगा। ये देखिए हो गया। ये इसके ऊपर हम रख लेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह। अब एक पेड़ा हम अलग से लेंगे। इसमें हम आटा लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से आटा लगा के इसे रखेंगे। ये देखिए अब इन्हें हम बेल लेते हैं इस तरह से करके। ये देखिए 4-5 पराठा हमारा इस तरह से तैयार हो जाएगा। ये देखिए हम सेक लेते हैं। ये देखिए हमने इतना ही पतला किया, ज्यादा पतला हमने नहीं करना है। इन्हें हम तावा पे सेक लेते हैं इस तरह से। अच्छे से सेक लेते हैं मीडियम आंच पे।
ये देखिए हो गया, इसको पलट लेते हैं इस तरह। ये देखिए सारे परत हमारे देखिए दिख रहे हैं इस पे, इसे भी अच्छे से सेक लेते हैं दोनों तरफ से। इसके ऊपर से हम तेल लगा देते हैं इस तरह से, तेल घी या बटर जो आपको पसंद हो आप वो लगाइएगा। देखिए इस तरह अच्छे से हम इसे लगा लेते हैं, वापस इसे पलट लेते हैं जिससे दूसरी साइड भी हम तेल लगा सके। ये देखिए इस साइड भी हम तेल लगा देते हैं। ये देखिए लग गया तेल। इसी तरह हम दोनों तरफ अच्छे से सेक लेंगे। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए अपने आप ही ये परत खुल जाएंगे इस तरह से। अच्छे से सेक लेते दोनों तरफ। ये देखिए सिक गए अच्छे से दोनों तरफ से। देखिए ये परत अपने आप ही अलग हो जाएंगे। ये देखिए इसे हम धीरे से निकाल लेते हैं एक परत को। ये देखिए वापस इसे पलट देते हैं। ये देखिए इस तरह, अब इस साइड का भी हम इसी तरह निकाल लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से आसानी से छूट जाएंगे। इस समय देखिए हमें गैस बंद कर देना है जिससे अच्छे से हमारा ये निकल जाए, सारे परत निकल जाए। ये देखिए हम सभी परत को अलग कर लिए हैं। ये देखिए इन्हें भी वापस हम सेक लेते हैं, इस तरफ से भी हम इसे सेक लेंगे। ये देखिए इस तरह, ये देखिए अच्छे से सिक गए हैं। ये देखिए इसी तरह हम सभी पराठा को सेक लेंगे, हल्के गरम गरम निकालेंगे तो फट जाता है। ये देखिए इस तरह से अच्छे से सेक लेते हैं इससे भी दोनों तरफ से। ये देखिए इधर इस साइड थोड़ा सा तेल लगा लेंगे, वापस पलट लेंगे इसे। ये देखिए ये भी हमारे पराठा हो गए हैं तैयार। ये देखिए हमारे सारे पराठे हो गए हैं तैयार। ये देखिए हमारे पांचों पराठे हो गए हैं तैयार। आप इस तरह से बनाएंगे बहुत ही अच्छे से, जल्दी से पराठे हमारे तैयार भी हो जाएंगे और जल्दी से बन भी जाएंगे। आप किसी वक्त जल्दी में रहेंगे तो आराम से आप इसे बना करके खा सकते हैं। आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू।